हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SH फैशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन सिखाने वाली हूँ। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये डिज़ाइन आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। देखने में बहुत प्रिटी है और बनाने में बहुत इजी डिज़ाइन है ये। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट पर बना सकते हो, बच्चों की स्वेटर पर, अपने लिए कार्डिगन बनाइए, जैकेट बनाइए, ब्लाउज बनाइए, जिस पे भी आप इसको बनाना चाहते हो अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार, कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। राइट साइड से देखिए हमारा ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिख रहा है, और रॉन्ग साइड से देखिए हमारा ये जो डिज़ाइन है कुछ इस तरह से दिख रहा है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप इस डिज़ाइन को सीखना चाहते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये इस डिजाइन को बनाने के लिए आपने जो फंदे हैं वो रखने हैं 3 के मल्टीपल में, प्लस आपको बाद में 2 उसमें एज स्टिच रख लेने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 11 फंदे लगाए हुए हैं, यहाँ पर मैं 11 फंदों में आपको जो डिजाइन है वो डाल करके बताऊंगी। 11 फंदों में इसीलिए क्योंकि 3 से गुणा करके मैंने रखे हैं 9, प्लस उसमें 2 करके 11 फंदे मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं। सो चलिए अब स्टार्ट करती हैं इसको बनाना। वीडियो अगर पसंद आएगी तो मेक श्योर आपने वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो भी सीखना चाहते हैं। तो देखिए ये हमारी रोवन है राइट साइड से सीधी तरफ से। पहले आप बॉर्डर लगा लीजिए, उसके बाद हमने डिजाइन को स्टार्ट करना है। पहली रो सीधी तरफ से रोवन राइट साइड से। देखिए क्या करेंगे, पहला फंदे को सीधा उतारा, अब उसके बाद ये सारी रो हमने सीधी बुनाई करते हुए कंप्लीट करनी है। रोवन राइट साइड से नेट आउट स्टिचेस, सारे फंदे हमने सीधी बुनाई करते हुए कंप्लीट करना है। तो अब आ जाइए रो 2 पर, रॉन्ग साइड से दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से, ये सारी सिलाई हमने उल्टी बुनाई करते हुए कंप्लीट करनी है। रो 2 रॉन्ग साइड से पर्ल आउट स्टिचेस। अब आ जाइए रो 3 पर राइट साइड से थर्ड रो सीधी तरफ से। ध्यान से देखिएगा इसमें क्या करेंगे, पहले फंदे को सीधा उतारा, अब ये सारी रो हम सीधी बुनाई करते हुए कंप्लीट करेंगे। थर्ड रो राइट साइड से नेट ऑल स्टिचेस, जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई वैसे ही हमने ये रो भी बनानी है। पूरी फंदे हमने सीधे बुनाई करते हुए कंप्लीट कर लेने हैं। अब आ जाइए रो 4 पर रॉन्ग साइड से फोर्थ रो उल्टी तरफ से। तो फोर्थ रो उल्टी तरफ से क्या करना है, पहले फंदे को उल्टा उतारा, अब धागा पीछे करेंगे और ये सारी रो हम सीधी बुनाई करते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए रॉन्ग साइड है बट सारी सिलाई हम ये सीधी बुनाई करेंगे, नेट ऑफ स्टिचेस रो 4 रॉन्ग साइड। अब आ जाइए रो 5 पर राइट साइड से पांचवी रो सीधी तरफ से। तो इस रो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें हम ये डिजाइन बनाने वाले हैं। तो देखिए क्या करेंगे, पहले फंदे को हमने सीधा उतार दिया, अब नेक्स्ट जो 3 फंदे हैं 1 2 3 इनमें हमने ये डिजाइन डालना है। किस तरह से डालना है, यहां पर ये फंदा है और ये हमने उल्टा बुनाई किया था, ठीक है, पीछे की रो से हमने सीधा बुनाई किया था जो सीधी तरफ को उल्टा दिख रहा है। तो इसके नीचे आपको होल दिख रहा है, यहाँ पे हमने अपनी सिलाई को डालना है। यहां से हम एक लूप बनाएंगे और इसको थोड़ा सा खींचेंगे, ये देखिए इस तरीके से खींचेंगे। अब यहां पे इसके बीच में देखिए, दोनों फंदों के बीच में यहां जो बीच है यहां पे नीचे आपको होल दिख रहा है, वहां पे हमने सिलाई को डालना है। यहां से भी हम एक लूप बनाएंगे और इसको थोड़ा सा खींचेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आगे वाला फंदा जो सेकंड फंदा है उसके नीचे भी यहां पे आपको होल दिख रहा है, वहां पे अपनी सिलाई को डालना है। यहां से भी हम एक लूप निकालेंगे, 3 लूप हमारे पास हो गए। अब बीच में देखिए, यहां पर बीच में जो फंदा दिख रहा है इसके नीचे होल दिख रहा है, यहां पे हम सिलाई को डालेंगे, यहां से भी हम एक लूप निकालेंगे। अब जो थर्ड फंदा है उसके नीचे भी यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे हमने सिलाई को डालना है, यहां से एक लूप निकालना है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे 5 लूप बना लिए, ये देखिए एक हमारा स्टिच है, उसके बाद देखिए 2 4 और 1 5, ये 5 फंदे हमने यहाँ पे बना लिए। अब इन 5ों का हमने एक फंदा बनाना है पीछे की तरफ से, इस तरह से ये 5ों का हमने एक फंदा बना लिया। यहाँ पे आप देख रहे हो 5 का एक बना लिया। अब आगे वाले जो 2 फंदे हैं इन दोनों का हमने पीछे की तरफ से एक फंदा बनाना है, धागा अपनी तरफ करना है और एक फंदा उल्टा बनाना है, धागा पीछे।
अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो एक एज स्टिच है उसको छोड़ देंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक हम फिर से अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। देखिए ध्यान से क्या रिपीट करना है। पहला फंदा है उसके नीचे जो होल दिख रहा है वहां पे हमने सिलाई को डाला, यहां से हमने एक लूप बनाया। अब दोनों फंदों के बीच में यहां से नीचे आपको होल दिख रहा है वहां पे हमने सिलाई को डाला, यहां से हम एक लूप बनाएंगे, इसको खींचेंगे धागे को, फिर सेकंड फंदे के नीचे डालेंगे, फिर इसके बीच में डालेंगे, ठीक है, फिर थर्ड फंदे के नीचे डालेंगे। यहां पे आप देख सकते हो हमने पांच फंदे यहां पे बना लिए। अब इन पांच फंदों का एक फंदा बनाएंगे पीछे की तरफ से। अब आगे वाले जो ऊपर वाले दो फंदे हैं इन दोनों का हम पीछे की तरफ से एक फंदा बना लेंगे और धागा आगे करके एक फंदा उल्टा। इसी तरह से हमने ये सारी रो कंप्लीट करनी है। यही तीन फंदे हम बार बार रिपीट करेंगे। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे पहले फंदे के नीचे डाला, अब दोनों फंदों के बीच में जो होल बना हुआ है वहां पे डाला, अब दूसरे फंदे के नीचे डाला, फिर आगे वाले फंदे के, ठीक है, फिर थर्ड फंदे के नीचे। अब इसको अच्छे से खींचेंगे। अब इन पांचों फंदों का हमने एक फंदा बना लेना है पीछे की तरफ से। तो ये पांचों का हमने एक फंदा बना लिया। अब ऊपर वाले जो दो फंदे हैं दोनों का हमने पीछे की तरफ से एक फंदा बना लेना है, धागा अपनी तरफ करना है और एक फंदा उल्टा। सारी रो हमने इसी तरह से ही कंप्लीट करनी है। लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचेगा, इसको हमने सीधा बुनाई कर लेना है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आ जाइए रो सिक्स पर रॉन्ग साइड से। तो रो सिक्स रॉन्ग साइड से हमने पूरी उल्टी बुनाई करते हुए कंप्लीट कर लेनी है। रो सिक्स रॉन्ग साइड से पैरेलल स्टिचेस। देखिए रो सिक्स तक बनाई करने के बाद हमारा डिजाइन भी यहां पर ओवर हो जाता है। अब यही छह सिलाई हम बुनाई करते जाएंगे, यही छह सिलाई हम बुनाई करते जाएंगे और इस तरह से एक ब्यूटीफुल सा डिजाइन क्रिएट करते जाएंगे। डिजाइन कैसा लगा प्लीज एक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इसी तरह से आपने सीखते रहिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली को सिखाते रहिए। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप इसी तरह से डिजाइन और निटिंग से ट्यूटोरियल सीखना चाहते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।